जो जिस दिन लॉन्चिंग होगी ना मैम, वो बड़ा हाँ जी यानी कि जिस दिन न्यूज लेटर आएगा हमारा भी, आज से एड आपको चालू होगा, तो दुनिया में मैम धमाका होगा, एक जश्न मनेगा, और सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों के अंदर में, देखते हैं हम कुछ ना कुछ इवेंट कराएंगे सबसे, और सबसे वीडियो भी लेंगे क्योंकि तो हमने ग्रुप बना रखे सभी ने, तो देखते हैं अब एक ये भी ऐतिहासिक दिन बनाएंगे हम, बहुत अच्छा लगेगा हमें। इसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैम कि कैसे मैं इसको सेलिब्रेट करेंगे हम सब मिलके इसके साथ में, तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर हम किसी कंपनी को ऐसे लेवल में हम सेलिब्रेट करें कि दुनिया देखे यार भी कोई कंपनी कंपनी लॉन्च हुई है और रियल टाइम में आपको जो है वो काम करने वाली है, तो बड़ा अच्छा मजा आने वाला है लॉन्चिंग वाले डे वाले। थैंक यू मैम, शारदा मैन बहुत ठीक है बढ़िया बढ़िया। तो सर कल खुशखबरी आ गई सर, कल लोगों के बहुत सारे फोन आए, इतने सारे फोन आए, उतने फोन आ रहे थे, उससे पहले हम मीटिंगों में रोज हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता सुनने को मिलता था, राइट सर। सर एड 41 42 43 ऐसे आ रही है सर, कोई बोलता था मेरी हाइट कम आ रही है, कोई कैसे बोलता था, तो कल कंपनी ने सर एकदम से आपको बंद करके एड तो 60 एड पूरी दे दी आपको, कैसा लग रहा है प्रेम जी? बहुत जबरदस्त सर, 60 ऐड भी दे दिए, और जो टाइमिंग था ना सर थोड़ा स्लो था पहले, और टाइमिंग भी फास्ट हो गया, एकदम राइट टाइम 30 सेकंड में एक ऐड खत्म हो जाते हैं सर। बिल्कुल 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 फटाफट जी से जी ऐड जो है स्पीड जो है बढ़ गई है उसकी सर। जी जी टेस्टिंग मोड स्पीड क्या बढ़ होता गई है सर। सर? टेस्टिंग मोड इनको पता नहीं, टेस्टिंग मोड समझ नहीं आती, डेमो समझ नहीं आता है ना, मुझे पता नहीं लगता, लोग ना उतावले ज्यादा हैं और काम कम कर रहे हैं, बस कंपनी राइट करते सर, सारे काम, हमें कुछ ना करना पड़े उसके लिए, हम तो ये चाह रहे हैं कंपनी वो कर दे, हम ये चाह रहे हैं कंपनी वो कर दे, हम ये चाह रहे हैं कंपनी वो कर दे, लेकिन अब एक क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है उसका मैं आप सबको जवाब दे दूं यहाँ पे हाथ खड़ा करने से पहले, कि लोग कह रहे हैं कि हमने पहले फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है 40 साल के मेंबर होने के बावजूद हमें पीवी नहीं किया, और हम उसके अंदर में अब पीवी कर लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, कि राइट अगर सर, आपको अब विश्वास आ रहा है तो पहले विश्वास नहीं किया तो ये हरजाना सर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाईपास करोगे किस चीज को या आप कुछ जुगाड़ से आप करोगे कि मैं अपनी दूसरी आईडी लगा लूं और ऐसे कर लूं, तो दोस्तों कंपनी के साथ में कहीं धोखा करोगे, आप अपने साथ में भी धोखा करोगे, तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर 6 महीने के लिए आपके पास में समय दिया है कंपनी ने, हो सकता है कंपनी आने वाले समय में कुछ और भी चेंज कर दे इस पॉलिसी के अंदर में जो 6 महीने वाली पॉलिसी है, लेकिन अभी आप पेशेंटली रहे हो उसके अंदर में। हम तो बार बार पहले भी मैं बोलता रहा हूँ मीटिंगों के अंदर में कि यार अपनी आईडी लगा दीजिए, बंदों की आईडी लगा दीजिए, उसको बोलिए कि आप 1 महीना वेट कर लीजिए, आप उसको फ्री में रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ आपको, शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मत करवाएं वहां पे जाके फ्री वाला, तो मैंने तो एक भी नहीं लगाया आज तक, एक भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि फ्री वाला लगाने का मतलब ये है कि उसका नुकसान फिर बाद में वो आपको बोलेगा सर आपने बताया नहीं पहले, अगर बता भी दिया तो थोड़ी देर वेट करने के लिए बोल देते कि बाद में आप कर लेते जब आपको विश्वास होता था। तो यहाँ पे भी लोगों के पास में यही कंडीशन है, एक बंदा तो ऐसा है पता नहीं कितनी टीम है सर, 48 बंदों की टीम है उसकी, और बंदा भी कहाँ से है, दुबई से है, ठीक है, उसका फोन आया मेरे पास पे, खुद की आईडी उसने फ्री में फ्री वाले जोन में लगाई है उसके, उसने अपनी आईडी और साथ में दूसरों की भी आईडी फ्री वाले जोन में लगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, उन्होंने क्या किया अपनी आईडी तो लगाई वहां पे और जाके ईहा के अंदर में 10-10 यूरो से पैकेज बाय कर लिया फ्री आईडी लगाने के बाद, तो बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ सर। 48 बंदे हैं उसकी टीम के अंदर में, 48 के 48 बंदे, उसकी अपलाइन ने उसको बताया ही नहीं कुछ भी, अब मेरे पास फोन कर रहा है सर मुझे कैसे करें उसके लिए, मैंने कहा हम करते हैं क्या करें उसके लिए, हम तो मैंने मेल कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है, अब करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा लोगों को कैसे समझाएं, इतनी मीटिंगें करने के बावजूद भी हमें यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं तो मन बहुत खराब होता है, कि यहाँ पे सुनने के बाद लोग अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है आप मर्जी करो, लेकिन मर्जी उस हिसाब से करो कि आपको और आपकी टीम को परेशानी ना हो दोस्तों, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि परेशानी भी हो रही है और बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, अब करा क्या जाए, और सबका साथ देना है और सबके लिए हम खड़े हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम यार हम भी तो एक इंसान है और आप सबकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ी सी अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा फायदे के लिए नुकसान मत करो, आपको लगता है कि वो 85 रुपये दे देगा आपको हर डेली का, तो वो आपको 240 रुपये भी देगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार वो बंदा पोटेंशियल नहीं है या वो बंदा काम नहीं करेगा तो उसको वेट करा लो ना, वो पहले से भी वेटिंग में था, अगर ज्वाइनिंग से पहले भी तो वेटिंग में था ना आपके पास में, वो जब तक वो ज्वाइन नहीं किया था तो सोचो कि 1 महीना और वेटिंग में था वो बंदा, प्लीज वेट वेट करवा दीजिए, किसी को भी फ्री में ना ज्वाइन कराएं, बहुत
बहुत दिक्कत होने वाली है अभी आने वाले समय के अंदर में, क्योंकि सारे बंदे कहेंगे यार हमें तो पेड़ में जाना था, हमें तो पेड़ में जाना था। बहुत 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 यार समझ नहीं आ रही, हम करे तो करे करे क्या। आपको जो बताया जा रहा है वो चीजें जो है प्लीज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लाइफ में संभालिए, समझिए कैसे करना है कैसे नहीं करना, इस तरीके से काम होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है काम करके आपके साथ में, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें आती है तो वहां पे मन भी दुखी होता है यार, भी इतना समझाने के बावजूद भी हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपनी के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, कंपनी आपको सर वो दे रही है जो आप चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन कंपनी जो चाह रही वो आप कर नहीं रहे हो, ये बात मान के चलो। तो आप अपनी टीम के साथ में जितना भी लॉयल रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, लेकिन ये जो आप जुगाड़ कह रहे हैं कि हम वहां से दूसरी आईडी लगा लेंगे तो वो ना करवाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से। फिर आप बोलोगे बाद में एक और क्वेश्चन रेज हो जाएगा, एक और बात डाउट आएगा, सर हमने वहां पे पहले फ्री में कर लिया था, अब यहां पे हमने दूसरी आईडी लगा ली, सर हमारी आईडी ब्लॉक हो गई, अब उसको खुलवा के दो। ये भी होगा आने वाले समय में, ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर हमने दो आईडी लगा ली, सर गलती से हमारी आईडी लग गई, सर कंपनी को पता लग गया, कंपनी बेवकूफ तो है नहीं, उसको पता लग जाएगा दो दो आईडी चला रहा है बंदा, नाम सेम है, एक ही नाम है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर आईडी आपकी ब्लॉक होती है तो बाद में आपको ही रिकवर करानी पड़ेगी, उसके लिए हमें कॉल नहीं करना हमने किसी को, क्योंकि पहले डिलीट बटन दबा दिया था सब लोगों ने, वो भी बेवकूफी, कितनी बड़ी बेवकूफी करी कि डिलीट कर रहे हैं अपने अकाउंट को, पूछ रहे हैं हाँ आर यू श्योर, हाँ जी सर श्योर हूँ, मैं अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ। अरे यार वहां पे वो अकाउंट डिलीट होने थे, जो अकाउंट जो फेक है, जो अलग से बने हुए हैं, डमी अकाउंट बने हैं, उनको डिलीट करवाना था, लेकिन आप लोगों ने अपने अकाउंट डिलीट करवा दिए। अब ये सोच के कि यार ये तो बहुत अच्छा बटन आ गया है, इससे पता नहीं क्या होने वाला है। तो लाल बटन तो सर पहले पता होना चाहिए, लाल रंग का बटन बता दिया तो डेंजरस है आपके लिए। तो वहां पे भी हमने रिकवर करा के दिए, लोगों को रात को नींद नहीं आई, लोग सुसाइड करने लग गए थे, कह रहे थे हम तो सुसाइड कर लेंगे, मेरी खुद की टीम के दो बंदे ऐसे थे। अब बताओ, मैंने तो रोज मीटिंग में बोलता हूँ, शायद मीटिंग में भी बैठे हुए होंगे यहाँ पे, तो क्या करें क्या ना करें, हमें उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये बाईपास वाला सिस्टम ना चलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अपनी टीम को ये जो फ्री में लगा रहे हैं अभी उनको वेट करा दीजिए, सिर्फ डाला स्थल में ज्वाइन करा के बैठ जाइए, उनको समझा दीजिए कि यार जब ऐड आएगी ना, हमारी ऐड आ रही है कोई बात नहीं, उसमें कंपनी कंपल्शन नहीं दे रखी कि तूने अगर जाला स्टल में ऐड अपना आईडी लगाया है तो ऐड देखनी ही देखनी आपको, ठीक है ना। आपको जो समझ आए वो करो, लेकिन आप ये बाईपास वाला काम मत करना और धोखा वाली बात मत करना कंपनी के साथ में, क्योंकि आप अगर दूसरी आईडी लगाओगे तो एक आईडी कंपनी के पास में ऐसे रह जाएगी, क्योंकि उसको डिलीट नहीं कर पाएगी कंपनी, क्योंकि किसी की आईडी कंपनी ने अब तक डिलीट नहीं करी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कचरा आप कंपनी में डाल रहे हो तो प्लीज उस पर मत जाएं यार, कचरा वगैरह ना डालें, वेट कीजिए, कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद पैसे आएंगे तो सर मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सभी को, आपकी अगर आप जिद्दत से दिल से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम करोगे तो 1 करोड़ से ऊपर महीने की आपकी अर्निंग आने वाली है आने वाले 6 महीने के बाद, ये गारंटी है। और लाइफ टाइम में आपने जितनी भी कमाई करेगी उससे बढ़ जाएगी आपकी अर्निंग, ये देख लेना आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप अगर समझते हैं तो ये बात को इम्प्लीमेंट करना, अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कभी भी, मैं तो जवाब नहीं दूंगा, मुझे पता नहीं दिनेश जी देंगे नहीं देंगे। कि पहले तो मैं नाम चेंज कर दूं, लोग सोच रहे होंगे दिनेश जी बोल रहे हैं, अरविंदर बात कर रहा हूं दोस्तों। तो हम तो एक चीज चाह रहे हैं कि आप सभी का भला हो, उसके लिए बार बार बोला जा रहा है कि फ्री में आईडी लगा देते हो, तो वहां पे फ्री में लगाने के बाद में आपको जो है वेट करवानी, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा अच्छा लगता है यार अगर हम मीटिंग लेते हैं सुबह हम तरोताजा होने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं कई बार कि मन में थोड़ा सा ऐसा आता है यार, मलाल होता है कि यार कहीं पे हमारी ट्रेनिंग छूट गई है, कहीं पे हम आपको बता नहीं पाए। नहीं, हम तो बता देते हैं, एक्चुअली क्या कि आगे वाला सुनने वाले के भी डिपेंड करता है कि कैसे वो सोचता है इस बात को लेकर। थोड़ा सा रैश बोल रहा हूँ, आप लग रहा होगा कि आज क्यों बात ऐसी हो रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है बड़े समझदार हैं, इतना ही दिमाग चलाएं कि ईमानदारी वाला, क्योंकि बेईमानी तो सर कूट कूट के भरी हुई है हमारे डीएनए के अंदर में, थोड़ा सा इस कंपनी के साथ में लॉयल रहें, ईमानदारी से काम करें, ताकि आपको आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए, आपकी टीम को दिक्कत ना आए, आपकी अर्निंग स्मूथ रहे, आपको अर्निंग मिलती रहे। आपको पता है सच्चाई से कमाया हुआ पैसा हमेशा सच ही रहता है, अच्छा लगता है, और झूठ से कमाया हुआ पैसा हमेशा थोड़ा दुखी करता है, आपको पता होगा ये वाली बात। तो सुख नहीं मिलता झूठ से कमाए हुए पैसे का, तो आप ये माने कि आपने जो काम करना है सच्ची ईमानदारी से काम करना है, तो प्लीज इसी पे ध्यान दीजिए। और अभी प्रेम सागर जी ने आपको चैट बॉक्स के अंदर में अपनी डिटेल पूरी दी है, वो टूल आपके पास में होने चाहिए दोस्तों।